हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मेरी अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में रेसो की ये सिक्स्थ क्लास है, जिसमें मैं अल्कोहल और पानी के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अभी तक मैंने आपको ए बी सी डी का अनुपात निकालना सिखा दिया, ए बी सी का अनुपात, ए बी अनुपात पी का पहली क्लास में। दूसरी क्लास में मैंने आपको पानी और दूध का रेशो निकालना बता देगा कि एक गिलास में पानी और दूध इतना है, दूसरे क्लास में पानी और दूध इतना है, अगर तीसरे क्लास में डाल दिया जाए तो कितना बचेगा। तीसरी क्लास में मैंने आपको सिक्के वाले क्वेश्चन कराए थे, जिसके 10 पैसे 20 पैसे 50 पैसे के सिक्के हैं, तो उसमें 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 10 पैसे के सिक्के कितने, 20 पैसे के सिक्के कितने हैं। ठीक, फोर्थ क्लास में मैंने आपको कराया था कि एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात इतना है, उसमें से मिश्रण निकाल लिया गया और उतना ही पानी मिला दिया गया, तो अब दूध और पानी का रेशो कितना होगा। ये सारे टॉपिक मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। अभी मैं आपको टॉपिक वाइज क्लास करा रहा हूँ, जब भी मैं आपको टॉपिक वाइज सारी क्लासें करा दूंगा, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा, वो भी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री में। आपको कोई कोर्स मैं आपको नहीं भेजूंगा, यहाँ सारा यूट्यूब पे आपको फ्री क्लासेस दी जाएंगी। और मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ, जितने भी रेशो में टाइप होते हैं, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ पहले, जिससे कि वो सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए और जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आप उसे तुरंत देख के कर सकें। अगर आपको टाइप नहीं बताओगे और आपको मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा तो वो आपसे नहीं हो पाएंगे और कन्फ्यूज होंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ हर चैप्टर ये सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। पूरी मैथ में आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊंगा और प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री में यूट्यूब पे अपलोड कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल व पानी का रेशो 6:1 है, उसमें से तीसरा मिश्रण को निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया, जिससे न्यू रेशो 3:1 हो गया, तो पुराना मिश्रण बताएं। देखिए, पुराना मिश्रण पूछना अभी तक क्या था, मिश्रण दे देता था कि 60 लीटर है, 50 लीटर है, 100 लीटर है, उसमें से इतना मिश्रण निकाल लिया है तो रेशो इतना बचा। नया रेशो पूछ लेता है, यहाँ क्या इनने मिश्रण दे दिया है, ये नहीं बताया कितने लीटर का कितने नहीं लीटर का नहीं है, पुराना मिश्रण हमसे पूछा है। ठीक, देखिए 6:1 अल्कोहल और ये पानी का रेशो दिया हुआ है, नया रेशो कितना है 3:1, ये क्या हमारा न्यू रेशो। देखिए, पहले हम ये लिखते थे ओल्ड रेशो, क्या अब हम यहाँ ओल्ड रेशो लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये ओल्ड रेशो नहीं है, ये एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल और पानी का रेशो इन्हें इतना दे दिया, मिश्रण हमारा पुराना मिश्रण पूछा, तो क्या हमारे पुराने मिश्रण का रेशो है, नहीं है। ठीक, तो ये हमारा क्या है, शेष रेशो, मतलब जो मिश्रण निकाल दिया उसके बाद जो रेशो है 6:1 है हमारा, 30 ml मिश्रण निकालने के बाद। ऐसा क्यों है, क्योंकि मान लीजिए हमने किसी बर्तन में से ये मिश्रण है हमारे पास, कितना है हमें नहीं पता, हमने 30 ml मिश्रण निकाल लिया, इसमें अनुपात कितना है और उतना ही पानी मिला दिया गया, तो यानी कि 6 हमने मिश्रण निकाला, 30 ml ही पानी डाल दिया, तो मिश्रण तो सेम, मिश्रण तो उतना ही लीटर का रहेगा। ठीक, रेशो चेंज हो जाएगा, रेशो हमारा यहाँ चेंज हो गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अल्कोहल यहाँ 6 है, यहाँ अल्कोहल 3 है, पानी मिलाया जा रहा है, मिश्रण निकाला जा रहा है, तो हमें अल्कोहल सेम करनी पड़ेगी। सेम करने के लिए क्या करेंगे, नीचे 2 से गुणा करेंगे, अल्कोहल और पानी का नया रेशो, शेष रेशो कितना है 6:1, 2 × 3 = 6 और ये 2। ठीक, अब देखिए न्यू रेशो है हमारा मिश्रण का, अब पूछे क्या पुराना मिश्रण बताएं, तो 30 ml मिश्रण निकाला गया, ये वैल्यू किसकी है, 30 मिश्रण निकाला गया है और इतना ही पानी मिला दिया गया, तो पानी हमारा कितना बड़ा, 1 से 2 हो गया, यानी कि 1 बड़ा, तो यानी कि 30 ml पानी डाला गया, तो ये वैल्यू किसकी है, 1 की, क्योंकि 30 ml मिश्रण निकाला गया और उतना ही पानी, यानी उतना ही पानी का मतलब 30 ml मिश्रण पानी डाला गया, तो वैल्यू किसकी है, 1 की। पूछ क्या रहा है, पुराना मिश्रण 6 × 2 = 8, अब यहाँ लिखा न्यू रेशो, हम गुणा में 8 क्यों कर रहे हैं। देखिए, मिश्रण पूछा है, अल्कोहल या पानी नहीं पूछा, जो अल्कोहल का जो मिश्रण नया था वही पुराना होगा। ठीक, पहले भी मिश्रण 8 था, यानी कि 6 × 2 = 8 था, और अब भी 8 रहेगा, तो गुणा में 8, 30 × 8 = 240 लीटर। ठीक, ये आपका मिश्रण आंसर, बस 3 लाइनों में आपका ये सवाल
खत्म। देखिए दोबारा समझिए, क्लियर करता हूँ। एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल पानी का रेशो 6:1 है, उसमें से 30 ml मिश्रण को निकाला गया और उतना ही पानी मिला दिया गया जिससे न्यू रेशो इतना हो गया और पुराना मिश्रण कितना। ठीक, ये शेष रेशो क्यों 6:1, क्योंकि हमने एक मिश्रण निकाला है, हमारा नया रेशो हो रहा है 3:1। ठीक, हमने इसे बराबर करा पहले 6:2, यानी कि पहले मिश्रण 8 होगा, मतलब जो नया रेशो 8 है मिश्रण, तो पुराना भी 8 होना चाहिए था, लेकिन ये 7 है, तो इसलिए हमारे शेष रेशो बचा मिश्रण निकालने के बाद। ये शेष रेशो हमारा कितना 6:1 है, न्यू रेशो 3:1। अभी अल्कोहल बराबर करेंगे क्योंकि पानी मिलाया जा रहा है और मिश्रण निकाला जा रहा है, तो ये बराबर होना चाहिए। ठीक, तो 2 से इसमें गुणा करी, ये अल्कोहल हमने बराबर करा। ठीक, पानी कितना बड़ा 1:2 हो गया, 30 ml मिश्रण मिला निकाला गया था और 30 ml पानी मिलाया गया, तो 30 ml पानी मिलाया गया, पानी कितना बड़ा 1, तो ये वैल्यू इसकी 1 की गुणा में 8, ये 8। ठीक, 6 और 2 8, ये 8 कहाँ से आया आपका, 6+2, क्योंकि जो पुराना मिश्रण था वही नया मिश्रण होगा, 6+2, ये टोटल मिला के मिश्रण, पानी अल्कोहल नहीं पूछ रहा है। ठीक, चलिए क्लियर होगा, अगला क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा, अगर इसमें कोई डाउट रह गया होगा तो आपका, जैसे मुझे पूरी उम्मीद है आपको इसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा जो सवाल मैं ये करा रहा हूँ आपको। ये 80 लीटर के अल्कोहल की बोतल है, बोतल ठीक, जिसमें 100 लीटर जिसमें से 10 लीटर अल्कोहल निकाले गए, और इतना ही पानी मिला दिया गया, पानी मिला दिया गया, यह क्रिया 3 बार की गई, ठीक, तो अब अल्कोहल व पानी रेशो बताएं। ठीक, देखिए क्वेश्चन बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, 80 लीटर की अल्कोहल की बोतल है जिसमें से 10 लीटर अल्कोहल निकाली गई और उतना ही पानी मिला दिया गया, यह क्रिया 3 बार की गई, मतलब 3 बार उसने एक बोतल मतलब शराब निकाली और पानी मिला दिया। मान लीजिए कोई नौकर है, उसने एक बोतल ली शराब की, उसमें से एक ढक्कन में बोतल निकाली पी ली और उतना ही पानी मिला दिया गया जिससे मालिक को पता ना चले, ऐसा हमने 3 बार करा, 3 बार ढक्कन निकाले, 3 पानी डाल दिएगा। अब वो पूछ रहा है यह क्रिया अल्कोहल में पानी का रेशो बताए। ठीक, देखिए बोतल कितने की है अल्कोहल की, 80 लीटर की। ठीक, क्या कह रहा है, 80 में से 10 उनने निकाल ली। ठीक, 0 से 0 कटा, यानी कि मात्रा कितनी है, 8 अल्कोहल है और ये निकाल ली इनने, ये निकाल ली। ठीक, यानी कि ओल्ड अल्कोहल और नई अल्कोहल का रेशो, पुरानी अल्कोहल कितनी थी 8, ठीक, 8 में से 1 निकाली, कितनी बचेगी 7, ऐसा कितनी बार करा हमने, 3 बार, यानी 1 2 3, 8 से 7
आठ से सात। अब देखिए कुछ के दिमाग में आया कि आठ से सात हुई तो सात से छह होनी चाहिए थी ना, छह नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? आठ अल्कोहल थी, एक अल्कोहल निकाल ली, कितनी बची? सात। उन्हें क्या करा, फिर पानी डाल दिया, एक ढक्कन निकाली, एक ढक्कन पानी डाल दिया, तो हमारे मिश्रण तो आठ ही रहेगा। तो आठ से फिर सात हुई, आठ से सात हुई, इससे गुणा करने पे क्या होगा आपका? आपको जैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो वो पहले निकाला, फिर उसमें ब्याज प्लस करते हैं, फिर उसका ब्याज निकालते हैं, इससे क्या होता है सीधा रेट निकल के आएगा आपका। तो ये आठ से सात हुई, फिर उन्होंने एक ढक्कन पानी डाल दिया, फिर आठ हो गई वो, फिर उन्होंने एक लीटर से निकाली सात बची, फिर आठ एक लीटर डाल दिया, फिर आठ हो गई, फिर सात डाल, ठीक। तो आठ टन इनकी तीनों की गुणा कर लेंगे आप, ठीक। अट्ठे अट्ठे चौसठ, अच्छा चौसठ और आठ पाँच सौ बारह, सात सत्तर उनचास, उनचास सत्तर तीन सौ तैतालीस, ठीक। अब देखिए वो पूछ क्या रहा है, अब एल्कोहल व पानी का रेशो पूछा, ये हमारे दोनों एल्कोहल है, तो देखिए एल्कोहल पानी बराबर न्यू एल्को पूछ रहा है, नई एल्कोहल और पानी, तो नई कितनी बची हमारी 343, पानी कितना है, पानी कैसे निकलेगा, पुरानी एल्कोहल 512 है, नई कितनी है 343, 512 में 343 घटाइए वो आपका पानी निकल के आ जाएगा, तो कितना निकल के आएगा 343 में से 512 घटाएंगे, 12 में से 3 गया 9 और 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, एल्कोहल पानी का आपको ये रेशो निकल गया 343:169। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक। एल्कोहल हमारे पास कितनी थी 10 लीटर 80 लीटर, उसमें से क्या करा 10 लीटर निकाल ली उन्होंने, कितने में से 80 लीटर में से, ऐसा कितनी बार किया 3 बार, जीरो से जीरो कट गया, हमने से अनुपात में बदल लिया, यानी कि 8 एल्कोहल थी उसमें से 1 निकाल ली, यानी कि 8 थी 1 निकाल ली, कितनी बची 7, ऐसा कितनी बार गया 3 बार, तो पहले 8 से 7 हुई, फिर 8 से 7, फिर 8 से 7, इससे क्या गुणा करने में आपका टाइम बचेगा, ठीक। सीधा करा 8 अट्ठो चौसठ अट्ठ और तीनों आठों की गुणा करेंगे 512 करें, इनकी गुणा करेंगे 343, नई एल्कोहल कितनी बची 343, पानी कितना बचेगा 512 में से 343 घटा देंगे, पानी बचा हमारा, ये हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए हमने रखा है 100 लीटर एल्कोहल की बोतल है जिसमें 10 लीटर एल्कोहल निकल गया, उतना ही पानी मिला दिया, यह प्रक्रिया 3 बार की गई, ठीक। एल्कोहल और पानी का रेशो बता रहे, सेम क्वेश्चन बस से मैंने यहाँ पे ये चेंज कर दिया 80 लीटर, ताकि आप मैं एक टाइप के आपको दो क्वेश्चन करा दूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन का कोई डाउट ना रहे, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, हमारे पास 100 एल्कोहल थी, ठीक, क्या कह रहा है, हमने 10 निकाल ली, कितने में से 100 में से, जीरो से जीरो बटा, रेशो में हम इसे बदल लेंगे 1/10, 10 एल्कोहल थी पहले, एक निकाल ली ओल्ड एल्कोहल और न्यू एल्कोहल, ठीक, 10 पहले थी, एक इसमें से निकाल लिए, 10 में से एक निकाल ली, कितना बचेगा 9, ऐसा कितनी बार किया 3 बार, ये क्रिया कितनी बार की थी 10 से 9 3 बार, 10 से 9 3 9, 10 ढाई 100 है, 100 ढाई 1000, 9 में 81 81 ना 700, ठीक। क्या पूछ रहा है, अब एल्कोहल पानी का रेशो बता है, तो न्यू एल्कोहल और पानी का रेशो पूछ रहा है, तो न्यू एल्कोहल कितने 700, पानी कितना बचेगा 1000 में 700 घटेगी,
271 बचेगा। एक देखिए कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 से 12, 3 से 9, 3 से 27 नहीं कटेगा। ठीक, यही इसका आंसर है। ठीक, म्यू अल्कोहल कितनी है हमारे पास, 2729। पानी की मात्रा पूछ रहा है, 1000 में 729 रैंक कितना हो गया पानी, 271। ठीक, ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको पहला क्वेश्चन भी क्लियर होगा। सेम वही है, मिश्रण हमें अल्कोहल की बोतल दे दी है, हमने बोतल ले ली, इसमें से कह रहा है कितनी निकाल ली, 10 निकाल ली है ये। ठीक, कितने में से निकाल ली है, 100 में से, हमने इसे रेशो में बदल लिया, 0 से 0 काटा, यानी कि 10 में से 10 लीटर हमारे बोतल है और उसमें से एक निकालना है, तो यानी कि ओल्ड पहले शराब की मात्रा कितनी थी, 10 अल्कोहल की, सॉरी शराब बोल रहे ज़्यादा सही नहीं लग रहा, तो 10 और 10 में से एक निकला, 9 अल्कोहल बची। ऐसा हमने 3 बार किया, तो 10 से 9 3 बार लिखा हमने, 3 बार ये क्रिया की गई, तीनों की गुणा कर ली हमने, 1000 आ गया, इन तीनों की गुणा कर ली, 729 आया, तो नई अल्कोहल कितनी बची, 729। पानी की मात्रा पूछ रहा है, 1000 में 729 हटाएंगे, पानी की मात्रा मिल जाएगी, आपका आंसर। अभी आपको बहुत ईजी लग रहा होगा, आप अब रेशो का कोई चैप्टर लेना, प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करना, अगर आपसे सवाल ना हो तो कमेंट करना, ये मेरी गारंटी आप सॉल्व करेंगे, अगर मेरी ये वीडियो सारी सही से देखेंगे, आप रेशो के किसी क्वेश्चन में नहीं अटकेंगे, और जो डाउट हो आप मुझे कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको यहाँ सब फ्री में क्लासेस दी जाएंगी, आपको कोई पेड कोर्स नहीं दिया जा रहा, सब फ्री में पढ़ाया जा रहा है और टाइप वाइज पढ़ाया जा रहा है, चाहे आप अपने, आपको यहाँ से क्लास लेने के बाद आप चैप्टर लगाइएगा अपने, जो भी आपके मैथ की किताब हो, आप देखेंगे आप में कितना सुधार आएगा, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और मैं आपको यहाँ सारे टाइप के क्वेश्चन कराने, दे परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, सब चैप्टर यहाँ कराऊंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी तक मान लीजिए देखे नए क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आपको, ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा ऐसा मैं मानता हूँ, और बाकी जो आपके डाउट है आप अपने कमेंट करिएगा। ठीक, ये